हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्वादिष्ट मिक्सचर सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मैंने 40 लोगों के लिए बनाया है। और इसमें मैंने सिर्फ 50 ग्राम ऑयल डाला है और 50 ग्राम ही मसाला डाला है, पर सब्जी बहुत ही शानदार बनी थी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है मोटे तले की बड़ी सी कढ़ाई जो गर्म हो चुकी है। तो इसमें मैंने 50 ग्राम सरसों का तेल ऐड कर दिया। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें डाल देना है तेजपत्ता। तेजपत्ता हल्का हल्का नीचे से लाल हो गया है तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को मैंने 600 ग्राम लिया है और इसे मैंने लंबा लंबा कर काट लिया है। तो इसे हम हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ पर इसे 1 मिनट तक मैंने भुना। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ परवल जो 1 केजी है। इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर काट लिया है। इसे बंगाली में पटल बोलते हैं, हमारी भोजपुरी में परवर बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो इसे भी हम भून लेंगे। तो यहाँ पर इसे मैंने 3 मिनट तक अच्छी तरह से भुना है। इसे आप देख सकते हो सॉफ्ट हो चुका है और पानी भी छोड़ने लगा है। तो अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच नमक, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच ही धनिया पाउडर और डाल दिया है 3 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच गोल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर टोटल मसाले 50 ग्राम है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हम बहुत कम मसाले में बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्जी आज बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मसालों को कर लेना है मिक्स और इसमें मैं डाल दूँगी चने। तो यहाँ पर मैंने काबली चना लिया है, इसमें एक एक काला चना भी है। तो इसे मैंने रात को भिगो दिया था। इसे मैंने थोड़ा सा हल्दी और नमक लगाकर 3 विसिल लगाया है। ये उबले हुए चने हैं तो इसे इसमें डाल दिया। अब इसे हम अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। लेकिन अभी हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो अभी नहीं डाला है। यहाँ पर मैंने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसमें मैंने 50 लहसुन की कली ली थी और 4 से 5 इंच अदरक का टुकड़ा था जिसका मैंने पेस्ट बना लिया। तो इसे अच्छी तरह मिक्स करते हुए हम भून लेंगे। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे एवरेस्ट चिकन मसाला, जो 5 रुपये वाला पैकेट आता है ना, उसे पूरा हम ऐड कर देंगे। और इसमें हम आलू को डाल देंगे और आलू को डालकर फिर से हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। यहाँ पर मसाले को अच्छी तरह से मैंने कर लिया है मिक्स और मैंने 5 केजी आलू को उबाल कर छील कर कट कर कर यहाँ पर ले लिया है। तो सारे आलू को मैंने डाल दिया। अब इसे हम आराम से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक सिर्फ भुनेंगे। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भुनेंगे क्योंकि मसाले अच्छी तरह से भुन चुके थे। तो यहाँ पर मैं टमाटर का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच। मैंने इसकी रेसिपी पहले से डाल रखी है और जब टमाटर सस्ते हो ना तो ऐसे ही पाउडर बनाकर आप रख लिया करो, नहीं तो टमाटर के भाव आप देख रहे हो आसमान छू रहे हैं। तो यहाँ पर अब डाल दिया 1 चम्मच गरम मसाला। अब हम इसे पानी डालकर पका लेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड किया है। आप अपनी ग्रेवी के अनुसार पानी ऐड कर सकते हो। आज मैंने आपको बहुत ही कम मसालों से लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाना बतलाया है। और इसमें मैंने बेसिक से मसाले डाले हैं जो मसाले हर किसी के घर पर होते ही हैं। तो यहाँ पर सब्जी को पकते हुए 3 मिनट हो चुका है। तो मैं एक बार इसे फिर से चला दूँगी और फिर से हम इसे ढककर 2 मिनट तक और पका लेंगे। यहाँ पर हमारी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर हो गई है तैयार। अगर आप एक बार ऐसे बनाकर खा लोगे ना तो दुनिया भर के मसाले डालकर सब्जी बनाना भूल जाओगे। इतने कम मसाले में लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।